झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है। चुनाव के लिए महज 2 से 3 महीने ही बाकी रह गए हैं। ऐसे में पार्टी और गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग और प्रत्याशी चयन सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। सभी 81 विधानसभा सीटों पर पार्टियों से टिकट पाने के लिए दावेदारों की लॉबिंग तेज हो गई है। दावेदार टिकट पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। आज हम बात करेंगे गोड्डा जिले की पोड़ैयाहाट विधानसभा सीट की। पोड़ैयाहाट में लंबे समय से प्रदीप यादव का कब्जा है। हालांकि इस बार भाजपा की ओर से टिकट की रेस में कई नेता शामिल है, जिसमें राघवेंद्र सिंह का नाम आगे चल रहा है। राघवेंद्र सिंह के अलावा लगभग 10 से 12 और भी दावेदार हैं जो भाजपा से टिकट पाने के इच्छुक हैं। राघवेंद्र सिंह पोड़ैयाहाट पश्चिमी के जिला परिषद हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक्टिव नेता हैं। राघवेंद्र लगातार क्षेत्र में एक्टिव हैं और विकास कार्यों में जुटे हैं। बीते कल राघवेंद्र सिंह ने पोड़ैयाहाट से हसडीहा के रास्ते सरैयाहाट तक परिवर्तन रैली निकाली। इस रैली में स्थानीय लोगों की हजारों में भीड़ उमड़ी। इस दौरान राघवेंद्र सिंह द्वारा अपने निजी वाहन से पोड़ैयाहाट विधानसभा के लोगों का अभिवादन किया गया। उन्होंने हसडीहा में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पोड़ैयाहाट सीट पर इस बार बीजेपी अपना परचम लहराएगी। बताया कि बीते कई सालों से पोड़ैयाहाट की जनता ने परिवर्तन का मुंह नहीं देखा है। 25 सालों से इस विधानसभा के लोगों के लिए भलाई का काम नहीं हो पाया है। आम लोगों को ठगा गया है। अगर सरकारी योजना भी लाई गई तो लूट की भेंट चढ़ गई। नतीजा यह है कि पूरे इलाके के लोग अब परिवर्तन चाह रहे हैं। टिकट मिलने की बात को लेकर उन्होंने कहा कि मैं एक दावेदार हूं, केंद्र की अगर इच्छा होगी तो मैं पोड़ैयाहाट का नेतृत्व जरूर करूंगा। हालांकि ना केवल राघवेंद्र सिंह बल्कि भाजपा से टिकट पाने की रेस में कई अन्य लोगों का भी नाम शामिल है, जिसमें पोड़ैयाहाट से पूर्व विधायक प्रशांत मंडल की पत्नी ममता कुमारी हैं। ममता कुमारी राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य हैं। इनके अलावा देवेंद्र सिंह और गजाधर सिंह का भी नाम सामने आ रहा है। ये दोनों ही पूर्व में आजमाए जा चुके हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। इनके अलावा सुभाष चंद्र यादव हैं जो पेशे से शिक्षक रहे हैं, उनका नाम भी रेस में शामिल बताया जा रहा है। ऐसे और भी कई नाम है जो भाजपा की टिकट से पोड़ैयाहाट में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। पोड़ैयाहाट सीट गोड्डा जिले में आता है। भाजपा के लिए यह सीट बड़ी चुनौती है। लंबे समय से यहाँ प्रदीप यादव अलग अलग पार्टियों से चुनाव जीतते आ रहे हैं, लेकिन बड़ी बात तो यह है कि लोकसभा चुनाव में पोड़ैयाहाट विधानसभा से भाजपा को अच्छी खासी लीड मिल जाती है, लेकिन विधानसभा चुनाव में उनकी नीति कामयाब नहीं हो पाती है। अब देखना होगा कि भाजपा किसे यहां से चुनावी मैदान में उतारती है और इस बार पोड़ैयाहाट में कमल खिल पाता है या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर।